नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से हमने वो चूज करने की कोशिश की है जो एक स्टॉक ट्रेडर या एक स्टॉक इन्वेस्टर की जिंदगी से बहुत ही बारीकी से जुड़ा है। एक ऐसा सवाल जो आपके जहन में हमेशा आता है, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा कभी भी एक अच्छा ट्रेडर या अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन पाते हैं, और वो है डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में आने वाले हर इंसान के लिए डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखता है, हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे कितने पुराने हैं, चाहे आपको 10, 12, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में हो गया हो, बिना डिसिप्लिन जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता है कि डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, डिसिप्लिन बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम स्कूल में जाते थे तो एक डिसिप्लिन से स्कूल फॉलो करते थे, कॉलेज में गए तो वहाँ हमने एक डिसिप्लिन को फॉलो किया, हम जॉब करने के लिए जब इंडस्ट्री में गए तो वहाँ हमने एक डिसिप्लिन को फॉलो किया। हम एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में ऑब्लाइज रहते हैं, हमें उसको फॉलो करना होता है, उसी के बाद हमें सक्सेस मिलती है। तो स्टॉक मार्केट में आने के बाद ऐसा क्या होता है कि हम सारे डिसिप्लिन तोड़ते चले जाते हैं? हमें एक ही चीज़ याद रहती है कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ऐसा नहीं है दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बड़ी पुरानी कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। डिसिप्लिन उस लाइफ ब्लड की तरह है जो अगर आपकी वेंस में नहीं है तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल इतना सेंसिटिव टॉपिक है जिसमें किसी भी एक छोटी सी सेंसिटिव न्यूज से खलबली मच सकती है, जरा सा रूमर आता है तो खलबली मच सकती है। हमेशा से हमने सुना है स्टॉक मार्केट दो इंपॉर्टेंट कारणों से गाइड होती है या मूवमेंट आती है, एक है न्यूज, एक है रूमर। दोस्तों, रूमर में लोग फंस जाते हैं, न्यूज में लोग फंस जाते हैं, लोग उसका आकलन करना भूल जाते हैं। अगर आपको बाजार में काम करना है, लंबे टाइम तक बाजार में रहना है, उसको अपना करियर बनाना है, ट्रेडिंग बनानी है, सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, क्या बनाना है वो आपको तय करना है। उससे पहले सबसे पहले जो नंबर वन डिसिप्लिन होगा, या डिसिप्लिन का मैं कहूँ सबसे पहला रूल क्या होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहला रूल है कि अपनी कैटेगरी को पहचानिए। नो योर कैटेगरी, मतलब आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, पहले तो आप ये पहचानिए। क्योंकि हो क्या रहा है, 95% लोग जो इन्वेस्टर बन के आते हैं वो अंत में ट्रेडर बन जाते हैं। क्यों? हमने सोचा था कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट हमारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं या हम दूसरों को ट्रेड करते हुए देखते हैं, जो लालच है, हमें लगता है स्टॉक मार्केट में रातों रात पैसा बनाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट एक उस ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों, जिसमें हम ये सोचते हैं कि शायद यहाँ से हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो अपने स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी बाइबल बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाहर नहीं जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, कभी भी किसी भी सूरत हालात में किसी भी बड़ी से बड़ी न्यूज़ में, किसी बड़े से बड़े रूमर में अपना धैर्य नहीं खोते, ये वो लोग हैं। दोस्तों, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल है कि पहले अपने आप को पहचानिए, क्या हैं आप? आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं? ट्रेडर हैं तो ट्रेडर का डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। इन्वेस्टर का डिसिप्लिन ट्रेडर फॉलो करेगा तो अच्छी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। एक ट्रेडर का डिसिप्लिन अगर इन्वेस्टर फॉलो करेगा तो अच्छा इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाएगा। दोस्तों, आपको अपनी कैटेगरी पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, इन्वेस्टर कौन है? जो लंबी अवधि के लिए बाजार में निवेश करता है। कम से कम पहले हम अपनी बुक्स में पढ़ा भी है कि जो एक साल से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट एक ब्रॉड वर्ड है, एक पूरा सब्जेक्टिव मैटर है। हमें लगता है कि हम 2 महीने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ 2 महीने के लिए भी एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट के पीछे स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होना ज़रूरी है कि आप 2 महीने के लिए क्यों ट्रिगर कर रहे हैं, क्यों मैं 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 6 महीने के लिए क्यों कर रहे हैं, साल भर के लिए क्यों कर रहे हैं। तो अपनी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी पहचानिए। दोस्तों, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, या आपको ब्लू चिप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आपको मिड कैप ढूंढना चाहिए, या आपको मल्टी बैगर शेयर्स जिसके पीछे हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कैटेगरी प्लान कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए। कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेडर नहीं बनूंगा, मैं इन्वेस्टर ही बनूंगा और लॉन्ग टर्म का ही बनूंगा, उसी हिसाब से काम कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई चीज़ 10 साल के लिए खरीदी और छोड़ दिया। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे रहे हैं जहां आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, कंपनी खराब हो गई, फंडामेंटल्स चेंज हो गए। आपको सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को चेक करना होगा। आपने पहले कैटेगरी डिफाइन की, आपने देखा कि आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर बनने के बाद आपने क्या देखा कि आपको उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करना आना ही चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह नहीं, बट एक इन्वेस्टर की तरह आपको अपनी बैलेंस शीट को देखना जरूर आना चाहिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे इजीली अवेलेबल है, उनको देखने की आदत डालिए। देखिए इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है, उस स्टॉक का पी क्या चल रहा है, वो स्टॉक किस इंडस्ट्री से है, उस सेक्टर का हालचाल क्या है, वो सेक्टर प्रॉमिसिंग है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। ये डिसिप्लिन का पार्ट है, आपको स्टडी करनी ही होगी।
आप स्टडी नहीं करेंगे तो दोस्तों कोई भी आके आपको बोलेगा कि एक्स वाई जी लिमिटेड का शेयर ले लीजिए, बहुत अच्छा ग्रोथ के चांसेस हैं, और आपने अगर उसको ये नहीं देखा कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज का स्कोप क्या है, तो आपकी एक सुनी हुई बात पे की हुई इन्वेस्टमेंट बहुत ही खराब और डिजास्टर साबित हो सकती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट वो हो सकती है जो आपकी पूरी की पूरी मेहनत की पूंजी को ले डूबे, आपकी पूरी कैपिटल खराब हो सकती है। तो पहले आपने अपनी कैटेगरी को चूज़ किया। अगर आप आते हैं इन्वेस्टर की कैटेगरी में तो आपके डिसिप्लिन है कि आपको फंडामेंटल को स्टडी करना ही होगा, आपको बुक्स को पढ़ना होगा, देखना होगा कि बाजार कैसे चल रहा है, बाजार के फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या डिमांड सप्लाई चल रही है, इकोनॉमी में क्या हालचाल है, क्या न्यूज़ है, सब चीज़ों में ध्यान रखना होगा आपको। दूसरी कैटेगरी आती है ट्रेडर की। अब जो ट्रेडर है, ट्रेडर के बहुत सारे डिसिप्लिन आजकल बन गए हैं, लोगों को लगता है कि हम अपने डिसिप्लिन को रोज़ नए तरीके से चेंज करें। नहीं दोस्तों, ये बहुत खराब तरीका है ट्रेडिंग करने का। मैं ट्रेडिंग करने के फेवर में भी रहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर कम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल्स के साथ साथ में थोड़ी नॉलेज टेक्निकल्स की होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज डेटा रीडिंग की होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज आपको आसपास होने वाले माहौल की भी होनी चाहिए। ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए क्या हो रहा है। उसके बाद अपने कैटेगरी के स्टॉक को चूज़ कीजिए, उसको देखिए वो किस कैटेगरी का है, उसमें कोई मूवमेंट है कि नहीं है, वो वॉलेटाइल है कि नहीं है। ट्रेडर के लिए वॉलेटाइलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा स्टॉक चूज़ किया जो वॉलेटाइल नहीं है, आपका कैपिटल खराब हो सकता है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने नहीं आए। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए चूज़ किया तो आपको वॉलेटाइलिटी से डरना नहीं है। स्टॉक हैज़ टू बी वॉलेटाइल, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने स्टॉक चूज़ कर लिया, आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे उम्र भर तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे, अचानक से स्विंग ट्रेडिंग करने लगे। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो स्विंग ट्रेडिंग के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। एक टाइम फ्रेम सेट करना होगा, एक चार्ट पैटर्न सेट करना होगा, एक डेटा थ्योरी आपको साथ लेनी होगी, आपको पूरी पूरी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, जिसकी बैक टेस्टिंग आपने की हो। बैक टेस्टिंग अच्छे से होनी चाहिए, और कम से कम महीने दो महीने की बैक टेस्टिंग आपके पास मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए ट्रेडर के लिए। और समय है तो पिछले एक साल की बैक टेस्टिंग कर डालिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसे का मामला है। पैसा इतना सेंसिटिव इशू है, पैसे को बढ़ाने आ रहे हैं आप लोग, पैसे को ग्रो करने के लिए आ रहे हैं, और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम स्टॉक मार्केट में सारे डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। हमें लगता है रातों रात चांदी हो सकती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, सपोज ये मैं एग्जांपल देता हूं, एक फुटबॉल का प्लेयर है, जिंदगी भर उसने फुटबॉल खेली है, उसको लगता है कि क्रिकेट में बहुत पैसा है, या उसको लगता है कि टेनिस में बहुत पैसा है, या उसको लगता है बिलियर्ड्स में बहुत पैसा है, क्या रातों रात वो एक बिलियर्ड का प्लेयर बन सकता है? क्या वो रातों रात एक क्रिकेट का प्लेयर बन सकता है? नहीं। और अगर वो बनने की कोशिश भी करेगा तो क्या जितना सारा अनुभव, जितना समय उसने फुटबॉल को सीखने में, फुटबॉल को प्रैक्टिस करने में, फुटबॉल में मास्टरी करने में लगाई है, क्या उतना ही परफेक्शन वो क्रिकेट में या बिलियर्ड्स में किसी और में लेके आ सकता है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है इक्के दुक्के लोग ये सब कर सकें, ठीक है, बट आम बड़े स्केल पर अगर ब्रॉडर स्केल की बात करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा डोमेन क्या है, हम किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, हमें किस तरह काम करना है, किस प्रोडक्ट में काम करना है, हमें पता होना चाहिए किस स्टॉक में काम करने वाले हैं। अपनी कैटेगरी चूज़ कीजिए, इस इंडस्ट्री को चूज़ कीजिए। आप आईटी में काम करते हैं, आईटी अच्छी लगती है, आईटी में ही काम कीजिए। आपको बैंकिंग अच्छी लगती है, बैंकिंग में काम कीजिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री शामिल है। आप FMCG की बात कीजिए, IT की बात कीजिए, फार्मा की बात कीजिए, बैंकिंग की बात कीजिए, मेटल्स की बात कीजिए, ऑटो की बात कीजिए, जिसकी आप बात करना चाहते हैं, ऐसी कोई इंडस्ट्री की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो यहाँ लिस्टेड ना हो। ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जो यहाँ किया ना जाता हो। दोस्तों ये व्यापार है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी जुआ नहीं है, ये व्यापार है। इस व्यापार को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर क्या कर रही है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, पिछले साल भर उसने क्या किया, पिछले तिमाही में क्या किया, उससे पिछले तिमाही में क्या किया, रिजल्ट कैसे रहे, सेल्स कैसी रही, क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी डिमांड है कि नहीं है, कॉम्पिटिटर कौन है, क्या सेल्स हो रही है। नंबर्स पर ध्यान दीजिए दोस्तों, नंबर्स पर ध्यान देंगे, ये बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। ट्रेडर के लिए भी ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक आपने चूज़ किया, स्टॉक तो चूज़ कर लिया, उसकी इंडस्ट्री आपने चूज़ कर ली, उसके फंडामेंटल्स को देखते हुए अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि अगर मान लो ये स्टॉक वॉलेटाइल होगा या नहीं होगा, इसमें न्यूज़ है कि नहीं है, अगर वॉलेटाइलिटी है तो लाइफ उसके अंदर है, लाइफ ब्लड उसके अंदर में है, वो स्टॉक आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। फिर अपनी जो भी स्टडी है उस स्टडी को डिसिप्लिन से, मतलब महीने दो महीने कम से कम उस पर एक बेयर मिनिमम क्वांटिटी से प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास लाखों रुपए हैं काम करने के लिए, लाखों रुपए ट्रेडिंग में मत झोंकिए दोस्तों। अगर आपके पास जो भी कैपिटल है उसका खाली 10% पैसा ट्रेडिंग में लगाने की कोशिश कीजिए। जो भी कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं, मात्र 10% 10% ऑफ द कैपिटल यू शुड यूज ओनली फॉर ट्रेडिंग। उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी गलतियाँ होंगी, जितनी भी प्रैक्टिस होंगी, वो सब उस छोटे से कैपिटल में करेक्शंस हो जाएंगी। हो सकता है कोई स्ट्रेटजी आप ट्राई कर रहे हो उस पर गलतियाँ हों, लॉसेज हों,
वापस जाइए, देखिए गलती क्या थी, सेल्फ करेक्शन करने की आदत डालिए, सेल्फ स्टडी करने की आदत डालिए, क्या होगा, सभी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत आसानी से अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर पाएंगे, किसी भी स्टॉक को स्ट्रैटेजी में डाल पाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टॉक ढूंढ लिया, उसकी बैक टेस्टिंग करनी है, बेयर मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड स्टार्ट करना है, मात्र 10 शेयर से कीजिए, मात्र 5 शेयर से कीजिए, जो भी आपकी कैपिटल है पहले उसमें से सिर्फ 10% पैसे का आपने इस्तेमाल करना है, पूरी कैपिटल ट्रेडिंग में नहीं लगानी है, 90% कैपिटल आपको सेव रखना है, ऐसे एसेट क्लास में लगाना है जहां पे आपको एक रीजनेबल ग्रोथ हर साल मिलती रहे। इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, गोल्ड में लगाइए, जहां भी आप लगाना चाहते हैं लगाइए। ठीक है, 10% पैसे की जो ट्रेडिंग करेंगे, जब आप सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे, उससे जो आने वाला पैसा होगा उससे फिर से अच्छी कंपनी के शेयर्स लेके डालिए। इसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन करना। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन करना आपके हाथ में है, बट हाँ, पूरा कैपिटल लगाएंगे, पूरे कैपिटल के साथ दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो जाएगी, और जहां एक गलती हुई पूरी कैपिटल के लॉस होने के चांसेस पूरे हैं, और आप दोबारा स्टॉक मार्केट की तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगे। दोस्तों, अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। आप कुछ भी करें, ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आपकी असल जिंदगी हो, डिसिप्लिन के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, लाइफ को अच्छा कीजिए, ट्रेडिंग को अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट।